ज्यादा हुआ करती थी पहले पहाड़ों में, लेकिन अब धीरे धीरे कम होने लग गई है और इसे मादर बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। सारे बिल्डिंग तहसील गई है यहाँ से, देखिए आप लोग इसको। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में हर कोई हर हर महादेव जरूर लिखें। माँ शिव पुराण का कथा का आयोजन किया गया है और राधे राधे। नीचे ही आप लोगों को एक गांव दिख रहा होगा, यह गांव का नाम है बांसवा। नमस्कार दगड़ियों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, अपने फैमिली के साथ व्यस्त होंगे। तो दगड़ियों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में उत्तराखंड के खूबसूरत वादियों से। तो दगड़ियों, आज दिन का शुरुआत मैंने कर ही लिया है। आज का दिन का शुरुआत कर रहा हूँ मैं महादेव जी के मंदिर से। नीचे आप लोग देख सकते हैं, यह है नवटुआ। नवटुआ में जो महादेव जी का मंदिर है, तो कमेंट में हर कोई हर हर महादेव जरूर लिखें। तो यह है महादेव जी का मंदिर। तो दगड़ियों, आज मैं महादेव जी के मंदिर से आज का ब्लॉग शुरू कर रहा हूँ। तो दगड़ियों, आज यहाँ पे जैसे आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, सिद्ध बाबा मंदिर जो प्रेमनगर पे है, वहाँ से आज नवटुआ मंदिर तक कलश यात्रा का आयोजन किया गया है। सुबह का समय है दगड़ियों, सुबह सुबह उठ के मैं सीधा आपको सबसे पहले अपने घर के छत में जो हमने मिर्च सुखा रखे हैं, मिर्च की खेती बहुत ज़्यादा हुआ करती थी पहले पहाड़ों में, लेकिन अब धीरे धीरे कम होने लग गई है और इसे माधर बोलते हैं हमारे पहाड़ी में। माधर ये सिर्फ मर्च सुखाने का काम आता है और ये पहले हमारे पहाड़ों में हर घर में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अब क्या है कि ये धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ककड़ी होने शुरू हो चुकी है। ये देखिए, एक ककड़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये देखिए लेट में हो रही, लेकिन होने शुरू हो चुकी है अब। तो दगड़े, फाइनली इसी गाड़ी में आया मैं यहाँ तक और यहाँ से अब मैं मंदिर की ओर जा रहा हूँ। इसी गाड़ी में आया था मैं ससिहाल मार्केट से। तो मैं सोचा कि लोग पहुंच गए होंगे, लेकिन लोग अभी कोई नहीं पहुंचा यहाँ पे। नीचे देखिए आप लोग, सुनसान एरिया हो रखा बिल्कुल। तो थोड़े फाइनली मैं यहाँ तक इसी जिम में आया, वापस नवटुआ से वापस मेरे को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि जो यात्रा शुरू हो रही है सिद्ध बाबा मंदिर से होगी, तो इसलिए मेरे को वापस आना पड़ा यहाँ पे। रोहित हट्टी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रेमनगर में, और उसी के इधर यहाँ पे जो सिद्ध बाबा मंदिर के लिए रास्ता है, यहाँ पे मिलता आपको रास्ता और यहीं से ऊपर के जाना पड़ता है। फाइनली आप पहुँच चुका हूँ मैं सिद्ध बाबा जी के मंदिर पे। वो दिख रहा है आपको मंदिर वहाँ पे, जहाँ से अभी कलश यात्रा निकल जाएगी नवटुआ मंदिर के लिए, यहाँ से नवटुआ मंदिर महादेव जी के मंदिर तक। यहाँ देखिए, यहाँ से नीचे एकदम से ना जो ससिखाल मार्केट का जो यहाँ यहाँ पे तहसील तहसील है ना, उसका जो एरिया है एकदम क्लियर दिखता है। यहाँ से सारे बिल्डिंग तहसील गई है यहाँ से, देखिए आप लोग स्कूल भी है उधर, देखिए शहीद चूड़ामणि राजकीय इंटर कॉलेज खुमाड़ स्कूल भी है वहाँ पे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट में हर कोई हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ। सिद्ध बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे। उस जगह पहुंच गया हूँ जहाँ पे माँ शिव पुराण का कथा का आयोजन किया गया है और आज से यहाँ यात्रा शुरू होगी, पहले सुबह के समय में, उसके बाद शाम दिन में करीबन 2-3 बजे से यहाँ पे जो कथा होगी शुरू होगी और 7 दिन तक चलेगी। तो आप लोग बने रहना आज के ब्लॉग में, बिल्कुल भी स्किप मत करना आज के ब्लॉग को। तो धीरे धीरे यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो चुका है, लोग कलश लेके आ रहे हैं यहाँ पे।
पायो दिव्यांतरिक पायो धायस मंगल मंत्रान भद्रपाठं पठेयुः हरिः ओम। तो देवड़े फाइनली यहाँ से यात्रा शुरू हो चुकी है यहाँ पे सिद्ध बाबा मंदिर से और प्रारंभ हो चुकी है। ये पल बहुत ही शानदार होता है दगड़ियों, ये पल बहुत ही कम लोगों को देखने को मिलता है जब यहाँ से कलश यात्रा निकलती है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। रुको 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 रुको। महादेव 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 महादेव। हर हर महादेव। आजी का ले ले। राधे 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 राधे। तो दगड़े फाइनली ये यात्रा शशिखाल मार्केट पहुंच चुकी है और यहाँ से ये यात्रा प्रस्थान करेगी महादेव के मंदिर नपरो तक। उसके बाद वहाँ से वापिस कलश में जल भर के वापिस यहीं सिद्ध बाबा मंदिर पे आएंगे। तो आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस ब्लॉग को। तो दगड़े फाइनली यात्रा शशिखाल मार्केट से नीचे नपरोह मंदिर के लिए प्रस्थान कर रही है धीरे धीरे। तो आप लोग देख रहे होंगे पीछे से नांगर रहे ठेपारे जो उत्तराखंड का जो वाद्य यंत्र है वो भी साथ में हमेशा चल रहे हैं पीछे पीछे से और वो भी हमेशा चल रहे हैं नांगर रहे वाले। तो बहुत ही शानदार नज़ारा होता है इस समय जब कलश यात्रा निकलती है। तो अपने देव भूमि उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता है उनको हमेशा पूछते रहना, यही मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा। तो आप लोग बने रहना इस ब्लॉग में और जितने आप लोग यहाँ आ नहीं पाए और आप लोग शहर से इस ब्लॉग को देख रहे हैं तो आप लोग भी पूरा इंजॉय कीजिए और शेयर करना अपने फैमिली तक और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस ब्लॉग को। नीचे ही आप लोगों को एक गाँव दिख रहा होगा, ये गाँव का नाम है बांसवा। ये देखिए ये बांसवा गाँव है और ठीक उसके उस तरफ आप लोग देख सकते हैं ये है पोखरी गाँव मल्ली पोखरी और इधर आपको घसकोट थलमाड़ और शकरखोला गांव देखने को मिलेंगे। जय हो राधे 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 राधे। बड़ा ही आनंद लेते हुए सारे और साथ में हमारे साथ जो पुलिस प्रशासन है वो भी हमारे साथ चल रही है आप लोग देख सकते हैं, ताकि जो यहाँ पे जितने भी यातायात करते हुए यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है उनको किसी भी तरीके से यहाँ पे असुविधा ना हो, इसलिए यहाँ पुलिस बल भी साथ चल रही है हमारे।
जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा सुंदर सा वातावरण, सुंदर सा जगह और सुंदर सी यात्रा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सुंदर सी यात्रा निकल लिया, सुंदर सा जगह है और इस जगह का नाम है सल्ट मोले खाल क्षेत्र, जहाँ पे आप लोग अभी इस वीडियो के माध्यम से इस एरिया को देख रहे हैं। ये एरिया है अभी जहाँ मैं पहुँचने वाला हूँ, वहाँ है नपटुआ मंदिर, जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। अभी ये यात्रा वहाँ तक पहुँचेगी, उसके बाद वहाँ से वापिस सिद्ध बाबा मंदिर पर पहुँचेगी। हर हर महादेव। पहुंचने ही वाली है यहाँ पे यात्रा, आप लोग देख सकते हैं नीचे यहाँ पे है महादेव जी का मंदिर और पीछे ही आप लोग देख सकते हैं यात्रा पहुंचने वाली। थोड़ी देर में यहाँ से यात्रा निकल चुकी है और लगभग हमने अपना यात्रा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं और थोड़ा ही रह चुका है यहाँ पे महादेव जी का मंदिर। आप लोग देख सकते हैं यहाँ नीचे ये है महादेव जी का मंदिर और आप लोगों को भी दर्शन कराऊंगा महादेव का, तो सभी सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। सुंदर सा नज़ारा, सुंदर सी झांकी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ से निकल चुकी है सिद्ध बाबा मंदिर से और पहुँचने वाली है यहाँ पे नपटुआ मंदिर पे, जहाँ पे महादेव जी का मंदिर है। देखिए आप लोग सभी लोग यहाँ पे भोलेनाथ के गाने गाते हुए और जय महादेव हर हर महादेव जय श्री कृष्ण के नारा लगाते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव शिव शंकर की जय। ये देखिए महादेव के दर्शन करा दिया आपको मैंने, हर हर महादेव जरूर लिखे कमेंट बॉक्स में। तो फैले दगड़े वहां से यात्रा शुरू करके, सिद्ध बाबा मंदिर से यात्रा शुरू करके अब फैले सभी लोग यहाँ पहुंच चुके हैं। यह नपटुआ महादेव जी का मंदिर जहाँ से अभी जल भरा जा रहा है, सभी जो कलश है सभी में जल भरा जा रहा है यहाँ से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग वहां से अभी जल भर के आ रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पहुंच चुके हैं अभी जल लेके। बढ़िया मां, बिहारी।
आप लोग देख सकते हैं कि पीछे से यात्रा अभी भी आ रही है मेरे पीछे पीछे, और मैं आगे से आप लोगों के लिए ब्लॉग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, और जितना हो सके उतना मैं अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि जितने भी वीडियो बनाऊँ हर वीडियो में अलग अलग आप लोग को देखने को मिले। और अभी का जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और ऐसे ब्लॉग आपको पसंद है तो कमेंट करना, और नए ब्लॉग चाहिए तो उसमें भी कमेंट करना। और अभी यहाँ से जो नथुआ महादेव जी का मंदिर है वहाँ से कलश में जल भर के वापिस हम सिद्ध बाबा मंदिर पे पहुँच रहे हैं, तो वहाँ पहुँच के जो भी कार्यक्रम होगा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूँगा, तो आप लोग बने रहना। और यात्रा फाइनली अपने चरम सीमा पर पहुंचते हुए अभी वापिस यात्रा जहां से सिद्ध बाबा जी का मंदिर है वहां से पहले नथुआ मंदिर तक पहुंचे महादेव जी के मंदिर तक, उसके बाद वहां से रिटर्न हो गया महादेव जी के मंदिर से वापिस सिद्ध बाबा के मंदिर तक पहुंचेंगे, उसके बाद जो भी वहां कार्यक्रम होगा आप लोगों को दिखाने का प्रयास करूंगा, तो आप लोग बने रहना और बिल्कुल भी स्किप मत करना इस ब्लॉग को। महादेव जी राधा कृष्ण जी की ओर लेके चले गए हैं अपने दोनों बाजुओं में उठा के। हर हर महादेव। हाँ महादेव जी भाग के चले गए। महादेव जी आराम से। राधे प्रिया जी नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें सल्ट क्षेत्र में आने के लिए। हाँ तो थोड़ा अपना जानकारी दे सकते हो कि आप कहाँ से आए हो? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। तप्त कांचनि गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि श्री हरि प्रिया। मैं प्रभु जी पहले सर्वप्रथम आपको राधे राधे बोलता हूँ। राधे राधे जी। मैं वृंदावन धाम से हूँ, मेरा गांव वृंदावन से 22 किलोमीटर ब्रज 84 कोस में कोशी गांव पड़ता है, और ठाकुर जी की कृपा है राधा रानी की कृपा है कि हम लोग
वृंदावन धाम से चलकर यहाँ श्री देवभूमि उत्तराखंड में पधारे हैं और ये आप श्री आप संत वैष्णवों का आशीर्वाद है, आप जैसे भक्तों का आशीर्वाद है। आज हमारे वृंदावन बांकी बिहारी की इतनी बड़ी अनुकंपा है हम पे, जो कि हमें देवभूमि के लिए भेजा है। उनके दास हैं हम, दासानुदास हैं, उनके दास के दास हैं हम। वृंदावन की महिमा तो दुर्लभ है, वेदों पुराणों में कही गई है कि वृंदावन सो वन नहीं श्री नंद गाम सो गाम, बंसी वट सो वट नहीं श्री कृष्ण नाम सो नाम। वृंदावन की महिमा शब्दों में बखान नहीं होती प्रभु जी। वहां जाने के लिए अच्छे अच्छे देव मुनि ऋषि मुनियों ने तप किया है और वृंदावन को हर किसी को स्थान वृंदावन का दर्शन प्राप्त नहीं है। हमारे स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ देव भूमि से जाकर के कैलाश से जाकर के गोपी रूप में भगवान कृष्ण भगवान के दर्शन किए हैं। वृंदावन की महिमा बड़ी अच्छी है। वृंदावन तो ऐसा वृंदावन है, ऐसा धाम है कि जहाँ पे मुक्ति ने भी भगवान कृष्ण से प्रार्थना की है कि वृंदावन की गेल में मुक्ति पड़ी बिलखाए, मुक्त कहे गोपाल सो तू मेरी मुक्त बताए। पड़ी रहो या गेल में साधु संत चले आए, भगवान ने कहा है पड़ी रहो या गेल में साधु संत चले आए, उड़ उड़ रज मस्तक लगे सहज मुक्त हो जाए। ये प्रभु जी हम लोग वृंदावन से पधारे हैं, वृंदावन से। मेरा नाम राधे कृष्णा ब्रजवासी है, राधे कृष्णा दास है, आप जो कहे वो उचित है। तो आपसे एक बात पूछ रहा हूँ कि आप ये देवभूमि में आए, आपको किसने मतलब किस तरीके से आप यहाँ आए सब बता सकते हैं? भगवान सबसे पहले क्या है कि ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, भगवान जुगल जोड़ी की बड़ी कृपा है और सबसे बड़ी कृपा जो उनकी है उन्हीं के माध्यम से भगवान शिव भगवान को भोलेनाथ को संकेत दिया गया और यहाँ के जो ब्राह्मण देवता है हमारे महाराज जी पूरन चंद्र उपाध्याय जी उनके निमंत्रण पर हम लोग यहाँ पधारे हैं। उनकी बड़ी कृपा है, उनका आशीर्वाद है ब्राह्मणों का सब वैष्णवों का देवभूमि वासियों का, बड़ा ही प्यार प्रेम है हमारे ऊपर, बड़ी ही आशीर्वाद है, हमेशा आशीर्वाद को कैसे बखान करें प्रभु। अच्छा तो आपको कैसा लगा हमारा देवभूमि? आप शायद पहले भी आए होंगे जी। भगवान मेरा यहाँ ये तीसरी बार आना हुआ है, प्रथम बार में यही पास में है आपके तराड़ गांव पड़ता है उसमें भागवत कथा का आयोजन था, इतना हर्षोल्लास के साथ उस भागवत कथा का आयोजन हुआ था, उसमें बड़ा ही आनंद था और यहाँ के लोग भगवान शब्दों में बखान नहीं कर सकता। जैसे हमारे यहाँ ब्रजवासी भोले हैं, यहाँ भाव वाले हैं, भाव वाले यहाँ के लोग माताएं बहने और हमारी मैया तो इतनी बड़ी सेवा करती है, यहाँ के जो लोग हैं देवभूमि वाले वो ब्रजवासी स्वरूप में है, बिल्कुल साक्षात देवों की जो भूमि है, बिल्कुल देवता समान का भाव है और सबका सम्मान सबका हमारा तो इतना सम्मान किया यहाँ पे, हम उनके हमेशा आभारी रहेंगे। और प्रभु आपके माध्यम से आपके ब्लॉग के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहता हूँ कोई भी ब्रजवासी या कोई वृंदावन धाम से एक बार देवभूमि भी आए और आनंद की अनुभूति प्राप्त करें, यहाँ के लोगों का भाव बड़ा दुर्लभ है प्रभु, बहुत भाव वाले हैं यहाँ के लोग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सल्ट क्षेत्र में आने के लिए, राधे राधे, राधे और आपसे दोबारा मुलाकात जरूर होगी। अभी के लिए मैं अपना घर के लिए जा रहा हूँ और दोबारा आपके साथ मिलूंगा, राधे राधे। मैं आपसे ठाकुर जी और राधा रानी की कृपा से मैं आपको एक ही बात कहूंगा, आप एक बार ब्रज भूमि में पधारे और ये मेरी तरफ से आपको विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, आप एक बार बरसाना वृंदावन धाम में पधारे, आपकी बड़ी कृपा होगी। जय श्री राधे राधे राधे, जरूर आऊंगा मैं, आपसे संपर्क भी करूंगा। जय श्री राधे राधे।